कुछ आइडियलिस्ट लोग हैं यहाँ पे जो सोचते हैं आम आदमी पार्टी इज वन ऑफ द ऑप्शन. आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट इज लाइक अ कमल हासन फिल्म विद ऑल 11 कैरेक्टर्स प्लेड बाय अरविंद केजरीवाल. वो आदमी इतना रैंडम है कि मेरी बिल्ली बोलती कि भैया ये तो अनप्रिडिक्टेबल है. वो आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो ये हो. फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या, फिर कांग्रेस मना कर फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो है ही जन्मजात ही हरामी. वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं. और फिर रात को दो पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं, हाँ रितु. नहीं नहीं कुछ नहीं, जानना था बस, जानना था तुम ठीक हो ना. नहीं नहीं हम मिलने को बोल ही नहीं रहे, हम जानना चाह रहे हैं बस, बात आवाज सुननी थी तुम्हारी. ये हरकतें हैं इनकी. लेकिन दूसरा ऑप्शन कुछ और आइडियलिस्ट लोग मानते हैं कि कहीं से जो मेन चैलेंजर हैं गोपी जी की, ममता बनर्जी. नाउ आई फील ममता बनर्जी इज लाइक गोपी जी इन अ कॉटन साड़ी. सब सेम है, सारी हरकतें सेम है, वही बिगटरी है, वही चीजों को बैन करने की आदत है, वही डिसेंट से प्रॉब्लम है, सब कुछ है, बस वो बांग्ला में बोलती है इसलिए मीठा लगता है. बोलती है मार देंगे, हमको लगता है हाँ क्या बात. एंड द थर्ड द मेन चैलेंजर इन दिस इलेक्शन, 15 साल से लॉन्च हो रहे हैं जैकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल. The prime option for many, many people. Now, the problem is, he's the kind of a guy जो घर पे बैठ के गांजा फूक के Netflix देख रहे होते ज्यादा खुश होते जीवन में, Instagram पे होते ज्यादा follower होते जितने अभी हैं उससे. लेकिन और वो वही करने वाले थे 2014 के बाद, लेकिन गोभी जी ने और अर्नब ने जो चाबी लगाई कि ये तो loser है, ये तो ये है वो है, उसने बोला अच्छा हम दिखाते हैं आ रहे हैं. कुछ और कुछ होना हो उसका कमिंग ऑफ एज हो गया इस इलेक्शन में. तो वो बंदा उसकी प्रॉब्लम क्या है, द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट. शिव भक्त बन गए हैं वो, अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है. वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसमें मत घुसो, कुछ नहीं होगा. दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो, दिख रहा है शिव मंदिर में घुस रहे हो, शिव जी तुमको देख के बोल रहे हैं ब्रो तू चीटिंग मत कर, मैं देख रहा हूं मंत्रोच्चार चल रहा है, तू अंदर ही अंदर बोहेमियन रैप्सोडी गा रहा है, मत कर ये हरकत. और उनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो क्या लाए हैं, ब्रह्मास्त्र है, अपनी दीदी को ले आए हैं कि दीदी जी आप आ जाओ थोड़ा संभाल लो. उनकी दीदी प्रियंका गांधी का पूछो तो यूएसपी क्या है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, इंदिरा गांधी जैसी दिखती है. तो वो तो सुनील ग्रोवर भी दिखता है, वो तो जयराम रमेश भी दिखते हैं, बल्कि जयराम रमेश तो कांग्रेस में है ही इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं.